नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फेक चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए क्विक हैंड्स ऑन एंड अनबॉक्सिंग ऑफ रियलमी 8 4G स्मार्टफोन। जी हाँ, ये 4G स्मार्टफोन है, 5G वाला वेरिएंट मैंने नहीं मंगाया क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है उससे, और उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें, LCD स्क्रीन दी हुई है, इसमें AMOLED है, तो एक अच्छी बात है। दैट्स व्हाई मैंने इसे प्रेफर किया। 13999 इस वक्त इसकी रेट चल रही है, फ्लिपकार्ट के सेल के वक्त मैंने मंगाया, प्लस 750 रुपीज़ का SBI कार्ड ऑफर अप्लाई करने के बाद 13,300 समथिंग का आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाता। तो रियलमी 8 आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा इसका बॉक्स है, बॉक्स से अनपैक कर लिया हमने, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेलियंट फीचर्स, 64MP का कैमरा, AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, G95 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमसे कर लेते हैं फटाफट अनबॉक्स, और अनबॉक्स करते ही सबसे पहले हमको देखने को मिलता है कि बॉक्स कार्डबोर्ड से, जिसके अंदर मेरे ख्याल से कवर होना चाहिए और कुछ बुकलेट। जैसे कि फर्स्ट आ गया हमारे पास सिम इजेक्टर टूल, ये आ गया हमारे पास डिवाइस का कवर, और नीचे इसके अंदर एक मैनुअल गाइड या फिर बुकलेट कह सकते हैं, जो कि कोई नहीं पढ़ता। कवर की क्वालिटी ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा मैं, और सिम इजेक्टर टूल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा हमारा डिवाइस इटसेल्फ, तो ये है हमारा डिवाइस जो कि रियलमी 8 4G है। चलिए एक बार रखते हैं इसको साइड में और देखते हैं बॉक्स के अदर कंटेंट्स को। तो एक हमें मिल जाता है चार्जिंग ब्रिक, ये 30 वॉट का फास्ट चार्जर है, सुपर डार्ट 30T चार्जर है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा सारा ब्रिक है, तो जो अडाप्टर है बहुत भारी और बड़ा सारा है। आई डोंट नो व्हाई इतना भारी बनाते हैं, बिकॉज इससे भी हल्के आपको देखने को मिल जाएंगे 65 वॉट के चार्जर्स, कई ब्रांड देती हैं ऐसी चीज़ें। ये एक टाइप सी केबल जिसके अंदर एक येलोइश टिंट दिया हुआ है, जो कि मुझे आराम से यहाँ से विजिबल हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं येलोइश टिंट है अंदर की साइड में, और बॉक्स में कुछ भी नहीं है। चलिए रखते हैं बॉक्स को साइड में और देखते हैं डिवाइस को अनपैक करके कि इसके अंदर क्या क्या आपको खूबी देखने मिल जाती है। तो जो डिवाइस है हमारा हो चुका है अनपैक, और चलिए मैं इसे फटाफट कर लेता हूँ बूट। जब तक ये बूट होता है उससे पहले मैं आपको एक इसका कॉन्फ़िगरेशन ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अंदर आपको MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक अच्छा खासा प्रोसेसर है अगर 15,000 के बजट में देखा जाए। दूसरी चीज़, रैम आपको मिल जाती है 4GB प्लस 128GB का स्टोरेज मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको उसके अंदर देखने को मिल जाता है AMOLED डिस्प्ले, जो कि इसकी बहुत ही अच्छी हाईलाइट है। कैमरा 64MP का प्लस 8MP का आपको मिल जाता है अल्ट्रा वाइड, और बाकी 2-2MP के फालतू कैमराज। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और बाकी डिटेल्स मिल जाता है। चलिए इसे फटाफट चेक कर लेते हैं बाकी चीज़ें डिज़ाइन के साथ। देखिए, अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे वो अच्छा लगा डिज़ाइन इस फोन का, कोई बहुत बुरा नहीं है। हालांकि प्लास्टिक बिल्ड है कम्प्लीटली, बस फ्रंट में ग्लास है, बाकी पीछे प्लास्टिक है, इसका फ्रेम भी प्लास्टिक का है, बट यस द डिवाइस इज़ गुड। कवर लगाने के बाद भी अच्छा दिखता है, लाइट वेट है, हैंडी है। रियलमी के स्मार्टफोन जनरली बहुत अच्छे होते हैं अर्गोनॉमिक्स के मैटर के अंदर, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। तो जो डिवाइस को हम कर चुके हैं सेटअप, जैसा कि आप देख सकते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि अच्छा है, फास्ट है और एक्यूरेट काम करता है। कवर लगाने के बाद भी डिवाइस बहुत ज़्यादा थिक या हैवी नहीं लगता, और डिज़ाइन इसका जो बैक कवर पे है वो भी अच्छा खासा दिखता रहता है डेयर टू लीप का, मुझे वो थोड़ा सा ठीक लगता, हालांकि बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है प्रैक्टिस में। और बाकी आप UI देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है, तो मेरे ख्याल से मैंने इसमें ठीक ठाक ओवरव्यू डिटेल दे दिया है। बाकी इसका फुल रिव्यू हम बहुत जल्दी रखेंगे हमारे चैनल पर, और भी ऐसे बहुत डिवाइस का, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसको लीजिए वीडियो को लाइक।